देश को हिंदू ना मुसलमान चाहिए, हर मजहब जिसको प्यारा वो इंसान चाहिए। और जय आसमान में उड़ता बच्ची बाज होगा और 9 सीटों पे आदरणीय अखिलेश भैया का राज होगा। हिंदू की परिभाषा नकली नरेंद्र मोदी ले आए। और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने ऐसा पीटीए बनाया है, गठबंधन ने इसको ठगबंधन महसूस किया। पोस्टर वाल से बड़ी बातें निकल के आ रही हैं, लोगों को समझ में आ रहा है। नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ यशस्वी पाठक। सियासत गरमाई हुई है, इस तरह गरमाई हुई है कि ठंडक का एहसास अभी भी उत्तर प्रदेश में दिखाई नहीं दे रहा है, महसूस नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं और उस उपचुनाव में अब होगा क्या, क्योंकि अखिलेश यादव ने दावा कर दिया है कि जिन भी 9 सीटों पे चुनाव होने वाले हैं उनमें से 8 जीतूंगा और 1 योगी आदित्यनाथ को गिफ्ट करूंगा। उसके पहले चल रहा है पोस्टर वार, लोग साथ मौजूद है। आखिर इस पोस्टर वार में क्या जनता मौजूद है, जनता को क्या लगता है, मूड क्या है, क्या मूड है सर? पोस्टर वार से कुछ मतलब है जनता को? क्यों नहीं मतलब है, पोस्टर वार से बड़ी बातें निकल के आ रही हैं, लोगों को समझ में आ रहा है। किस तरफ है, बटेंगे? देखिए, जनता ना बटने वाली है, अब ना कटने वाली है। अब जनता बड़ी मजबूत हो गई है और जनता काम देख करके, आदमी का आचरण देख करके उसको सपोर्ट करती है। और जनता ने तय किया है कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से भयमुक्त समाज, दंगा रहित प्रदेश की स्थापना की है और उत्तर प्रदेश के अंदर जो बड़े बड़े व्यापारी, कल कारखाने चलाने वाले, मूंगफली बेचने वाले, खोमचे वाले, इनको गुंडे माफियाओं से मुक्त करा करके उनको स्वच्छंद होकर के व्यापार करने का जो कह रहे हैं जुड़ेंगे तो जीतेंगे मौका दिया है, तो उसकी वजह से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के प्रति पूरी जनता का अगाध समर्थन है, ये तय मान लीजिए। और 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रही है। क्या लग रहा है, जुड़ेंगे तो जीतेंगे ये अखिलेश यादव कह रहे हैं, साथ ही योगी आदित्यनाथ है जो कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। देखिए, अखिलेश जी ने जहाँ तक कहा है कि हम जुड़ेंगे तो जीतेंगे, बाकी जुड़ेंगे तो लूटेंगे, ये नहीं आप क्यों लोग आप लोग कह पा रही। दूसरी बात, कोई समय पर यहाँ 15-15, 16-16 मुसलमान लोकसभा जीत जाते रहे हैं और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने ऐसा पीडीए बनाया है, गठबंधन ने इसको ठगबंधन महसूस किया, केवल 6 मुसलमानों को टिकट दिया। आज समाजवादी और कांग्रेस पार्टी और लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व खत्म किए दे रहे। और अगर समाजवादी पार्टी बहुत बड़ी पीडीए की हमदर्द थी कि दलित अल्पसंख्यक मुसलमान भाई भाई, तो क्या नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडे को ही बनाने का था पीडीए के नाते? रामाचार्य राजभर थे, कमाल अख्तर थे, महबूब अली थे, इंजी सरोज थे, क्या ये लोग नहीं बनाए जा सकते थे? और हम आपको बता दें, परिवार के ही 5 यादव लड़ाए गए थे, और कहीं के यादव नहीं, प्रदेश में उन्होंने यादव, और कोई यादव नहीं। भाजपा में भी तो परिवारवाद है ना सर? भाजपा में इतना ना, आप सफाई परिवार के लिए राम गोपाल, अच्छे प्रताप और शिवपाल, आदित्य, मुलायम, शिवपाल, भाजपा में जैसा पंकज, तो खाली अब राजनाथ सिंह जी रिटायर हो रहे हैं तो बेटा तो उनका विरासत संभालेगा, बाकी परिवार को उन्होंने नहीं, राजनाथ सिंह जी ने विरासत संभाली, तो परिवार बढ़ा लो, विरासत नहीं संभालेगा। एक ही परिवार के 5 लोकसभा में है सैफई के, हमको आप बता दीजिए। महंगाई के लिए भी तो बोलती है सर। देखिए, जो ये उपचुनाव होने जा रहे हैं इसमें 9 सीटों में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से, मतलब कहते हैं जीतेगी, और जय आसमान में उड़ता बच्ची बाज होगा और 9 सीटों पे आदरणीय अखिलेश भैया का राज होगा। आम आदमी से लेकर के वीआईपी आदमी महंगाई बेरोजगारी से जूझ रहा है। आप देखिए, मतलब लोकसभा का जो चुनाव हुआ, अखिलेश, आदरणीय अखिलेश यादव के गठबंधन ने कितना जबरदस्त मतलब परफॉर्मेंस की। योगी जी तो अभी भी कह रहे हैं ना कि जनता हमारे साथ, और हम सर्व समाज की बात करते हैं, वो करते होंगे पीडीए की बात, योगी जी का। मैम, आपके चैनल के माध्यम से मैं मैसेज देना चाहूंगा कि जनता किधर है और किधर नहीं है, ये जब चुनाव होंगे तो 23 नवम्बर तक पता चल जाएगा। इस बार मतलब जनता जो है, मतलब हताश हो चुकी है, महंगाई, बेरोजगारी, हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। यदि प्रेजेंट टाइम में आपकी जेब में 200 रुपए है तो आप किसी चौराहे पे सब्जी नहीं खरीद सकती, अरे आलू खरीदेंगी, टमाटर खरीदेंगी। जिसे उम्मीद है अखिलेश, आदरणीय अखिलेश जी से मुझे बहुत उम्मीद है, आदरणीय तो गुंडागर्दी शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं है मैम,
गुंड मैम देखिए किसी का भी शासन मतलब का कहते हैं मतलब हो मतलब कोई भी घटना अचानक होती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी पब्लिक व्यू मतलब रखना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी 9 सीटों में पूर्ण बहुमत से जीतेगी। क्या लगता है सर जो पोस्टर वार हो रहा है, सवाल सुनिए, 700 कौन लेबर पा रहा है, झूठ का पुलिंदा, अरे 300 कहते, 350 कहते, 400 कहते, लेबर नहीं मिस्त्री पा रहा होगा 700-800, जो सच्चाई है। और सुनिए विकास ही भ्रष्टाचारियों को हुआ है, चारों तरफ देखिए कार खड़े हैं। और सुनिए जो बात कर रही है, अब आप बोल चुके, अब बात बात बोल चुके, मुझे बोलने दीजिए, पहले बोल लेती, यही भाजपा के बेहाई पद है, यही भाजपाइयों के बेहाई पद है। एक एक करके काम करने वालों को आप बताइए, इन्होंने कहा था 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, ऐसे भ्रष्टाचार करेंगे, देश विदेशों में जमा काला धन ला के देश में खुशहाली लाएंगे, महंगाई समाप्त करेंगे। कितनी महंगाई समाप्त की, महंगाई का रोना है कि नहीं है? आप कितने लोगों को नौकरी दी? कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, और हाँ ये कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, ये कोई संत की भाषा हो सकती है? संत तो बहुत शांत होते हैं, और संत जो है सुनिए वो संत नहीं है, जोगी मन ने रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, ये केवल कपड़ा पहने, मन में उनके ज्वाला धधक रही है, बदले की भावना धधक रही है, इसलिए बोल रहे माननीय मुख्यमंत्री जी, नहीं तो मुख्यमंत्री जी साथ बोलते। देखिए हम सनातन धर्म के, हम सनातन धर्म के हैं, ये लोग फर्जी आए हैं, ये लोग जो बोल रहे हैं सब फर्जी हैं, हम सनातन धर्म के। युवा मौजूद है, जरा बताइए 9 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, क्या लगता है जो पोस्टर वार हो रहा है, एक तरफ है योगी जो कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, एक तरफ है अखिलेश जो हर बार नए पोस्टर्स के साथ आते कह रहे हैं जुड़ेंगे तो जीतेंगे, फिर मोदी जी आते कहते हैं एक है नेक है, अब बसपा भी आ गई है सामने, क्या लग रहा है? रोजगार और महंगाई की बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ बटेंगे कटेगा नारा ही नहीं देते, पहली बात ये हार के कारण 2024 में 43 सीट हार गए हैं, पूरी तरह बहुत बुरी तरह हार रहे हैं। आपको लग रहा है कि हिंदुत्व की राजनीति वापस कैश कराने की कोशिश? बिल्कुल नहीं आएगी, पीडीए एक है, जनता समझ गई है, बिल्कुल समझ गई, समझ गई है जनता, युवा बताए, युवा समझ गया, ये रोजगार देने वाले पार्टी नहीं है, ये जुमलेबाज वाली पार्टी है, हमेशा ये जुमला ही देगी, चाहे 10 साल रहे चाहे 15 साल रहे। 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया, गिना दे किस विभाग में 2 करोड़ नौकरियां दी है, इनको बता दीजिए किस विभाग में 2 करोड़ नौकरियां दी है, आप बताइए क्या क्या लग रहा है? चुनाव रोजगार और महंगाई है कि नहीं है सरकार में? महंगाई का जमाना है मैडम, एक बात तो है, काम तो सरकार ठीक कर रही है, गलत तो कोई काम नहीं कर रही है बिल्कुल भी, सरकार काम ठीक, काम सही कर रही है, कोई गलत नहीं कर रही है, मेरा कहते हैं नाम है, सरकार काम ठीक कर रही है या किसी को कोई गलत चीज नहीं कह रही है? ये बताओ कोई लड़की अकेली जाती थी स्कूल में, अब सही जा रही है, किसी के साथ कोई बिल्कुल भी भेदभाव नहीं हो रहा है, राशन बट रहा है, किसी को गलत बट रहा है, क्या हिंदू हो या मुसलमान हो, सबको बट रहा है, किसी को गलत नहीं बट रहा है, ये बताओ कोई गरीब है किसको सता रहे हैं? कोई भी कहते हैं कि रोजगार देंगे ही नहीं तो युवा काम का क्या? नहीं नहीं रोजगार मिल रहा है सबको, किसको नहीं मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है, रोजगार सबको मिल रहा है। क्या कहेंगे? कहने का मतलब है कि अगर पॉलिटिक्स करनी है तो डाटा पे करें, टोटल डाटा पे करें, फैक्चुअल होने चाहिए ना, ये जो जोड़ेंगे तो जीतेंगे और ना बटेंगे तो मतलब है पोस्टर्स का जनता के बीच में कोई मतलब? ये है, ये बिना कोई तर्क की बातें हैं, बटेंगे तो कटेंगे, कोई पार्टी कहती है कि भाई जब बटेंगे और कटेंगे वाला, नहीं नहीं बटेंगे और कटेंगे वाली बात पे कहते हैं, तो एक पार्टी कहती है कि पहले तो बांटा गया है 4-5 वर्णों के नाम पे, उसके बाद उपजातियों के नाम पे बटे गए हैं, तो ये किसको किसने बांटा है, ये किसने बांटा, तो बांटने और काटने के बाद नहीं है, फैक्चुअल मुद्दों पे बात होनी। वोट देने जाएगी तो इस पोस्टर का कुछ इफेक्ट पड़ने वाला है? नेताओं को खुद समझना चाहिए कि हम लोग डाटा पे बात करें ना, कि हमने कितना काम किया है, कितना काम करना बाकी है और कितना होना है। जैसे अभी सर अभी कोई एक बता रहा था कि सबके पास गाड़ियां हैं, आप अगर गाड़ियों का अगर डाटा निकालेंगे तो पता चलेगा, अच्छा सर ही बता रहे थे कि डाटा अगर गाड़ियों का डाटा निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 100 आदमी पे कितनी गाड़ियां भारत में हैं। तो कहने का मतलब कि कुछ भी बोलें, डाटा संगत बोलें और उसको बताएं कि अगर हमने हमको इतना मिला था विरासत जनता, हाँ विरासत में हमको इतना काम मिला था तो हमने उसको इतना आगे। 9 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं, लेकिन इन सब के बीच जो पोस्टर वार जारी हो रहा है हर चौराहे पर नजर आ रहे हैं, चाहे अखिलेश हो चाहे योगी आदित्यनाथ, तो अब बसपा भी एंट्री ले चुकी है, क्या जनता पे इस बात का कोई इफेक्ट पड़ता है जब वो ईवीएम मशीन के पास जाती है? ये बताइए बटोगे कटोगे का मतलब मुझे बता दीजिए, मैं आज तक समझ ही नहीं पाया। 1900 सुनिए तो
1947 से हमारा देश कहाँ बटा है हमको बता दे, कितने देश के टुकड़े हो गए ये हमें बता दे। ना हिंदू बटा है, ना मुसलमान बटा है, ना सिख बटा है, ना ईसाई बटा है। मोदी योगी ये नफरत की आग मत फैलाओ, बांटने का काम तुम कर रहे हो। 1947 तक आज तक ना हिंदू बटा है, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई बटा है। एक बार अभी जो मत बोले मैम, अगर आप दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखें तो कई देश हैं जिनके छोटे छोटे टुकड़े हो गए, उसमें रशिया भी आता है, अमेरिका भी आता है, बड़े बड़े देश आते हैं। मगर देखिए ये हमारे हिंदुस्तान की खुशकिस्मती, मैं शुक्र गुजार हूँ 142 करोड़ आवाम का, मैं शुक्र गुजार हूँ उस ऊपर वाले का जिसने हम लोगों को बटने नहीं दिया। अखिलेशी कह रहे हैं जुड़ेंगे तो जी, नहीं तो हम कटेंगे क्यों? अखिलेशी कह रहे हैं जुड़ेंगे तो जी, अखिलेशी कह रहे हैं जुड़ेंगे तो ना उनकी बात सच है ना इनकी योगी की जरूरत है। हम बटे ही नहीं तो कटेंगे कैसे? देखिए ना बटेंगे ना कटेंगे, बांटने वालों के पैजामा के नारे। जुड़ेंगे तो जीतेंगे, ना जुड़ेंगे ना जीतेंगे। आपको ये बता दूं कि देखिए एक बार 65 में एक नारा दिया गया था जय जवान जय किसान, उसके बाद आया था एक नारा आपका जाके जब तक सूरज चांद रहेगा इंदा तेरा नाम रहेगा, उसके बाद एक नारा था जय जवान जय किसान जय विज्ञान, पोखरण हुआ था तब, उसके बाद एक नारा आया आपका जाके बारी बारी सबकी बारी आपकी बारी अटल बिहारी, उसके बाद एक नारा आया बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। इस तरीके से भाषा आज क्या हो रहा है? कटोगे तो बटोगे। आप संवैधानिक पद में हैं और आप अगर दो समुदाय के बीच नफरत फैलाएंगे तो आर्टिकल जी पे इल्जाम लगा जी सब पे इल्जाम लगा रहा हूँ मैं, चाहे द्रोगी हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे मोदी हो, आर्टिकल 194 का उल्लंघन है, 3 साल की सजा है। इसलिए हमारे देश को ना बांटिए, बांटने की कोशिश अपने नारों के साथ कर रहे हैं। पत्रकार महोदया, इनको ये भी पता नहीं है कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहा है, मुद्दे की बात बोलिए। मुद्दा ये है कि जो योगी आदित्यनाथ महाराज जी को जनता चुन के बहुमत से भेजा है, कमल का लगाया आपने और फोटो भी है जी। मैं, मेरा नाम राम दुलार यादव है, मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पद से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। क्या हो गया भारतीय जनता? ये राष्ट्र की पार्टी है, अखिलेश की पार्टी, ये ठगबंधन है वो। हाँ बिल्कुल, समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव ठगबंधन बनाए हुए हैं पीडीए का, पीडीए में ठगबंधन बना करके जाति या धर्म के नाम पर वोट लेते हैं और जितने धर्म जात के बांटने वाले लोग हैं। गरीबों की सरकार है अखिलेश? नहीं 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 नहीं, नहीं। योगी आदित्यनाथ महाराज जी संत हैं, विकास के नाम पर जनता वोट कर रही है और 9 की 9 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की जमानत जब्त होने जा रही है। क्या लगता है सर, क्या मुद्दे होने चाहिए? नौकरी, जिसे भाई साहब कह रहे हैं कि समाजवादी कुछ ऐसे बता रहे हैं अखिलेश जी से, जैसे ही समाजवादी का शासन आएगा चाचा अपना बड़ा सा झोला लेकर निकल पड़ेंगे इसी रोजगार पे वसूली करने के लिए। और बता रहे हैं कि मतलब पता नहीं क्या क्या जो भी बातें हम सुन रहे बड़ी देर से, आज तक 1 रुपया कहीं से किसी को पता चला कि कोई दिया हो किसी को? यही अगर बात करें लखनऊ में 2090 की बात करते हैं, ये सब कुछ अखिलेश का ही तो योजनाएं हैं। कुछ नहीं, सब अभी टोटियां सब पड़ी हुई है, सब मालूम है आप लोगों को। ज्यादा टोटी चोर वाला आज बात कर, चंदा चोरी वाले बात कब आएगी इनकी? अयोध्या में जब चंदा चोरी की थे ये लोग, इनकी बात कब करेंगे? ये की सरकार की बात हो रही है, आपको भी लगता है कि लगातार जब से ही योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है जुमले की सरकार के तौर पर सामने आए? योगी आदित्यनाथ ने जो प्रदेश में कर दिखाया है वो काबिले तारीफ है। बताइए गिनती पे बताइए। अरे राम मंदिर सामने है, वो तो सुप्रीम कोर्ट का मामला है ना, इसके पहले भी तो सुप्रीम कोर्ट थी ना, क्यों नहीं बना? मैनिफेस्टो में हो सकता है कि भाजपा ने मैनिफेस्टो दिया था उसमें कहा था, लेकिन वो हो गया, लेकिन इसमें भाजपा आखिर अयोध्या हारना पड़ा। अरे वो तो ठीक है हारना पड़ा, मगर आगे जो है भाजपा का भविष्य योगी आदित्यनाथ देश के, लेकिन रोजगार महंगाई ये सब भी तो मुद्दे हैं। नहीं, महंगाई पे काबू हो रही है। वो कहते हैं उज्ज्वला योजना हमें नहीं तो दिया,
क्या दिए वो तो नहीं जान। उज्ज्वला खाली सिलेंडर दिया, खाली सिलेंडर दिया उज्ज्वला योजना, खाली सिलेंडर दिया। तीन दिन जो है लाइन लगा कर लोग सिलेंडर लिया करते थे, सिलेंडर फ्री तो सिलेंडर गैस का इतना महंगा हो तो देखो ना। आयुष्मान योजना से गैस हुआ कहाँ तक मिल रहा है? आयुष्मान से तो इलाज भी ढंग से नहीं हो पा रहा है। गैस सिलेंडर देने से लोहा राशन दे रहे, अरे राशन दे कर फकीरों का लाइन लगा दिया है। फकीर की तरह लोग लाइन लगे हैं, रोजगार का नहीं दे रहे हैं। रोजगार देंगे तब तो राशन खरीदेगा जाके आदमी, राशन रोजगार रहेगा तो राशन खरीदेगा, ना कि राशन के लाइन में लगेगा। रोजगार देना है नहीं, खाली राशन के लाइन में लगा दो। कैसी करता था, फ्री में देता था सबको। मुद्दे बताइए क्या होने चाहिए? आयुष्मान योजना, आवास योजना जिस तरीके से मिल रहे हैं, भाजपा ये कहती है कि जनता के बीच में हम गए हैं। शौचालय की योजना जो जनता को चाहिए था भाजपा ने उसको दिया, और सर्व समाज के विकास की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी एक तरफ चलती है, वो एक जातिगत राजनीति की बात नहीं। भाजपा देखिए जो भी कार्य कर रही है, जो भी योजनाएं चल रही है, तो ज्यादातर योजनाएं जनता को पहुँच रही है, लाभ मिल रहा है बराबर जो है, ठीक है। कुछ योजनाएं पहुंची है जरा बताइए। अब सभी को आपको दिखाई दे रही है आवाज, देखिए जो योजना चल रही है सभी को। आप जैसे आप अभी आयुष्मान की बात कर रही थी, ये भी बहुत सारे लोगों को सबको प्राप्त है। बहुत कुछ लोग होंगे जो करता है आयुष्मान का, बिल्कुल बिल्कुल करता है। प्राइवेट भी लेते हैं जो है, सभी लोग लेते हैं योजना। आवास भी सभी को मिल रहा है और सिलेंडर भी मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ समस्या आती है जिसपे अभी सरकार को ध्यान देने की जरूरत रहेगी, प्रशासनिक स्तर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे कि आप जैसे कि छोटी छोटी चीजें आ जाती हैं गांव गलियों में, प्रशासन ध्यान नहीं दे पा रहा है। जैसे कि झगड़ा लड़ाई हो रहा है उस पर, छोटी छोटी चीजों पर अगर समय से अगर प्रशासन ध्यान देते तो ये दुर्घटनाएं घटने की आवश्यकता नहीं है। लापरवाही हो जाती है कहीं ना कहीं पर, एक नहीं बहुत सारी ऐसी स्थिति है जो प्रशासन की कहीं ना कहीं लापरवाही। तो जैसे कि आप बैरेज में भी दुर्घटना घटी, प्रयागराज में घटना घटी, ये सारी घटना क्यों होती? जब आप थाने में जब कंप्लेंट देते हैं उस पर उनको सख्ती से वहां पर निपटना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए जो है, लेकिन जो ये लोग जो है क्या होता है, लापरवाही की वजह से उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। लग रहा है कि धर्मों को अलग करने के भी काम, हिंदू की परिभाषा नकली नरेंद्र मोदी ले आए और योगी ले आए, जो जेल में रहकर सीखे योगी जी और मोदी जी। मोदी जी तो कहीं गए नहीं, केवल हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा कहा जाता है। हिंदुत्व कहते किसे हैं? हमको हिंदू की परिभाषा कोई बता दे। हमको हिंदू जो इतने लोग हैं, तमाम लोग हैं। भाजपा ये कहती है कि सनातन धर्म, भाजपा ये कहती है सनातन, उसका नाम भागजा है, भाजपा नहीं है। मेरे नजर में एक सीधे सीधे है तो भाग गए अखिलेश जी, तभी भाग गए। नहीं नहीं अखिलेश नहीं भागे, भागा कौन जो झूठ बोलने वाला है। ये अभी आप कहना चाह रही हैं, आप हमको बताइए गड्ढा मुक्त हो गया? कह दीजिए हाँ हो गया। पूरे देश में हो गया? पूरे देश में हो गया। और अमित शाह जो देश का गृह मंत्री है वो कहता है कि अभी तीन बार हमको और मौका दीजिए तब गड्ढा मुक्त करेंगे। कहाँ का गड्ढा मुक्त करेंगे? हो सकता है खाने पीने वाला भी गड्ढा बचा है उसको भी मुक्त करेंगे। उपचुनाव में होगा क्या? उपचुनाव हाँ। उपचुनाव में एक या दो लेके एक घंटी बजाएंगे। भाजपा जीत रही है पूरी तरीके से, 9 की 9 सीटें भाजपा ला रही है उपचुनाव में, 9 की। ऐसा है ये लोग हाँ मिनार्टी में है ये लोग। श्री राम, देखिए नारा मत लगाइए, नारा लगाएंगे तो मैं राम का नाम ले रहा हूँ, भगवान जय श्री राम गोबर का नाम बनिया के। हाँ मैं सीधे बोल रहा हूँ, बनिया के जय। हाँ सुनिए, श्री राम बनिया कहता है, जब तराजू बनिया उठाता है और पहला बटखरा तोलता है तो कहता है जय श्री राम। कहाँ गया 50 ग्राम? बनिया के खाते में गया 50 ग्राम। हर हर मोदी, घर घर मोदी। माफ करिएगा, मोदी को इतनी नाराज हो गई है कि भगवान को भी सुनिए, मोदी को भगवान से ना जोड़िए, मोदी को भगवान से ना जोड़िए। ये सुनिए, कोरोना काल जब आप पूछ रहे हैं, अगर भाजपा सरकार ना होती तो कोरोना काल में क्या स्थिति? सुनिए, किरोना काल में नरेंद्र मोदी जी समुद्र के अंदर वो क्या नाम है ट्यूब लटका के गए थे, और जो पैसा मैंने गाड़ा है वो कहाँ है? उस पैसे को नरेंद्र मोदी देखने गए थे। ये लोग होते तो जितनी मतलब कितनी कम संख्या में लोगों कितनी जल्दी कवर कर लिए मोदी जी,
ये लोग होते तो आधा पब्लिक रह जाती, 140 करोड़ से हम लोग 17 रह जाते। एक कविता हम कह देते, इस देश को हिंदू ना मुसलमान चाहिए, हर मजहब जिसको प्यारा वो इंसान चाहिए। गीता ने कर्म सिखाया, बापू ने कहा अहिंसा, जीवों से प्रेम करो तुम कहते थे हजरत ईसा। कुरान ने कहा सच्चा ईमान चाहिए, हर मजहब जिसको प्यारा वो इंसान चाहिए। हर ओर छाई है जंग, भाई है आपस में लड़ते, मजहब की आड़ को लेकर आपस में है लड़ते झगड़ते। हर आदमी को आदमी की पहचान चाहिए, हर मजहब जिसको प्यारा वो इंसान चाहिए। जिसको जिसको अच्छा लगा ताली मार दीजिए। हर मजहब जिसको चाहिए वो हिंदुस्तान चाहिए, इस तरीके की जनता है ये, उत्तर प्रदेश की जनता है ये, हिंदुस्तान की जनता है। 9 सीटों पे उपचुनाव होने वाले हैं। भाजपा अखिलेश यादव, अब बसपा की भी एंट्री हो गई है, लगातार पोस्टर बार हो रहा है, लेकिन जनता का मूड आपने देखा कि आखिर जनता को क्या चाहिए। जनता को शांति चाहिए, जनता ये सोच रही है कि उपचुनाव हो या फिर कोई भी चुनाव आए, 2027 के चुनाव हो, तब भी लगातार जनता के सहूलियत का ख्याल रखना चाहिए। पार्टियां कोई भी हो आती जाती रहेंगी, लेकिन जनता की सहूलियत, महंगाई की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, सेफ्टी की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, ये सब कुछ जनता के हित में होना चाहिए। आप बताइए आप क्या चाहते हैं, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और देखते रहेगा आज की खबर।